नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। असम में एनआरसी का फाइनल लिस्ट जारी होने के साथ ही कई लोगों के इसमें नाम शामिल नहीं होने का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। लोग इसको लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं तथा इसको लेकर राजनीति भी की जा रही है। इसी बीच असम में भाजपा सरकार के मंत्री ने एनआरसी की फाइनल लिस्ट में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के तीन उपाय सुझाए हैं। भाजपा नेता व असम सरकार में वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इससे निपटने के लिए तीन सूत्री एक रणनीति पेश की है। इस रणनीति में राज्य के नागरिकों की फिर से गणना करना भी शामिल है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के नागरिकों की दोबारा से गणना करने का सुझाव दिया था। शर्मा ने कहा है कि इस गड़बड़ी को ठीक करने के तीन उपाय हैं। उन्होंने कहा कि पहला उपाय तो यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल एनआरसी लिस्ट को मंजूरी नहीं दी है और हम तेजी से और एकजुट होकर कदम उठाएं तो सर्वोच्च न्यायालय को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए राजी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कदम इस मामले में बहुत तर्कसंगत होगा। दूसरा उपाय बताते हुए शर्मा ने कहा कि हम सबको अपने हम को पीछे छोड़कर एकजुट होना चाहिए। इस समय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू APW और राज्य सरकार को एकजुट होना चाहिए तथा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा वेरिफिकेशन के लिए सामान्य आग्रह के साथ याचिका दाखिल करनी चाहिए। शर्मा ने तीसरा उपाय सुझाया कि अगर कम से कम एक ब्लॉक का दोबारा सत्यापन हुआ और उसमें कोई त्रुटियां सामने नहीं आई तो NRC को स्वीकार किया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि कोई त्रुटि हो तो NRC की पूर्ण रूप से समीक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। Thank you.